student and welcome to the digital platform of Saraswati group of colleges. Saraswati group of colleges के digital platform पे आप सभी का स्वागत है. मैं एक बार पुनः सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के BA फर्स्ट सेमेस्टर अंग्रेजी विषय के एक स्टोरी की थीम के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ. आप सभी देखेंगे आपके तीसरे यूनिट का पहला जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीफ, उसकी समरी पर चर्चा करेंगे. तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो. इसके पहले की वीडियो में हमने आपको द लास्ट लीफ के थीम के बारे में बताया था कि जो लास्ट लीफ जो स्टोरी है वह उसमें कौन सी उसकी मेन थीम है, उसके साथ साथ उसके और कौन कौन सी ऐसी थीम है जो उसके साथ साथ चलती रहती है. आज की वीडियो में हम लोग उसके समरी के बारे में चर्चा करेंगे. तो शुरू करते हैं. द लास्ट लीफ टेक अ प्लेस इन लेट 18th century एंड ग्रीनविच विलेज. सबसे पहले हम आपको एक चीज़ के लिए श्योर कर दें, ये जो स्टोरी है ये न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क के किस एक न्यूयॉर्क में एक जगह है ग्रीनविच, और कहा जाता है कि ये हेवन है आर्टिस्टों के लिए, यानी जो भी पेंटर्स पेंटिंग का कार्य करते हैं या पेंटिंग के लिए पेंटिंग के सेक्टर में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए ये जो जगह है वो हेवन का काम करती है. इस स्टोरी के राइटर हैं ओ हेनरी के बारे में मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर वीडियो में आपको बताऊंगा. तो ये स्टोरी शुरू होती है ग्रीनविच विलेज से, यानी कि इस स्टोरी की जो सेटिंग है वह है न्यूयॉर्क के ग्रीनविच से, और जो इस स्टोरी का POV है यानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वह थर्ड पर्सन है. इसके बारे में इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी स्टोरी में कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है. तो इस स्टोरी में पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपका है थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है. तो शुरू करते हैं. द लास्ट लीफ टेक अ प्लेस इन लेट 18th इन ग्रीनविच विलेज अ सब डिविजन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड ग्रीनविच एज ओ हेनरी डिस्क्राइब इज अ होम कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सू एंड जॉनसी. इस कहानी के जो दो मुख्य पात्र हैं, तीन मुख्य पात्र वैसे बेसिकली इस स्टोरी में हैं, एक जॉनसी है और एक सू है, ये दोनों फ्रेंड होती हैं, और एक है बैरमन जो कि आगे आपको इस स्टोरी में मिलेगा, ये भी एक आर्टिस्ट होता है. सू और जॉनसी एज अ आर्टिस्ट अपना कैरियर स्टार्ट कर रही होती हैं. ये कहानी उस समय की है जब पेडेंटिक आया हुआ था न्यूमोनिया का. इस स्टोरी में आपको अक्सर जो फिगर ऑफ स्पीच मिला हुआ है वह मिलेगा, वो फिगर ऑफ स्पीच आपका होगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमोनिया को पूरी स्टोरी में मिस्टर न्यूमोनिया के नाम से कहा जाता है. और हम जानते हैं कि पर्सोनिफिकेशन वहाँ होता है जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है. एंड इट इज होम ऑफ कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सू एंड जॉनसी. सू एंड जॉनसी भी उस कम्युनिटी में रहते हैं यानी ग्रीनविच में रहते हैं. एंड हु आर टू यंग वुमेन हु लिव टुगेदर. दोनों यंग हैं, एक साथ रहती हैं. एंड द टॉप फ्लोर ऑफ द थ्री स्टोरी अपार्टमेंट, एक थ्री स्टोरी अपार्टमेंट है उसके एक ही अपार्टमेंट में ये दोनों एक साथ रहती हैं. जॉनसी फॉल्स सेवरली इल विथ निमोनिया. लेकिन जब निमोनिया का पेंडेंटिक आता है, तो जो जॉनसी होती है वो निमोनिया से बीमार हो जाती है. एंड सी कैन डू नथिंग बट ले हर बेड एंड पीर आउट ऑफ विंडो. सू जॉनसी बीमार रहती है, उसका जो बेड होता है वो विंडो के बगल में होता है और वो लगातार विंडो से बाहर देखती है. एंड द डॉक्टर वॉन्स सू दैट जॉनसी कंडीशन इज डिट्योरिंग. डॉक्टर वॉन्ट टू जॉनसी कंडीशन इज डिट्योरिंग एंड दैट नीड्स हेल्प टू जॉनसी अ रीजन टू लीव. इसमें क्या होता है कि वो विंडो के बाहर देखती रहती है. डॉक्टर सू से कहता है कि जॉनसी की कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और उससे
जीने का कारण नहीं है उसके, वह जीने का कोई कारण उसके पास नहीं है, उस रीजन की वजह से वो जीना नहीं चाहती जिसके वजह से उसकी जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाती। सू सजेस्टेड टॉकिंग टू हर अबाउट द ट्रेवलिंग इन टू इटली टू पेंट पिक्चर ऑफ द बॉय ऑफ नेपल्स जॉन्सिस लाइफ लॉन्ग ड्रीम। सू जॉन्सी से बात करना बात करती है और उसे वो रीजन देना चाहती है जिसके वजह से कि वो उसकी जो लाइफ, जो उसका जीने की इच्छा जो समाप्त हो चुकी है वो बढ़ जाए। वो उसे बताती है कि हम इटली में ट्रेवल करेंगे, हम ऐसी पेंटिंग करेंगे जो तुम्हारा ड्रीम है, उसके बारे में बात करती है। बट द डॉक्टर एडवाइज सू टॉक टू हर अबाउट द विंटर क्लॉथ एंड सजेस्टेड दैट इंटरेस्ट अ मैन माइट बी गिव हम जॉन्सी टू विल सर्वाइव। वो कहता है कि उसे गर्म कपड़े पहनाओ, डॉक्टर पुनः उसे कहता है कि उसे गर्म कपड़े पहनाओ और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो उसे सर्वाइव करने के लिए प्रेरित कर सके। आफ्टर द डॉक्टर लीव, डॉक्टर के जाने के बाद सू गोज टू द पेंट जॉन्सी रूम एंड सी क्वाइट बिकॉज सी थिंक्स जॉन्सी स्लीपिंग बट जॉन्सी स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड। डॉक्टर के जाने के बाद जब सू जाती है जॉन्सी के रूम में और वो सोचती है कि जॉन्सी सो रही है, लेकिन अचानक से जॉन्सी उल्टी गिनती शुरू कर देती है। एंड सू आस्क जॉन्सी व्हाई सी इज काउंटिंग डाउन। वह जॉन्सी से पूछती है कि तुम ये उल्टी गिनती क्यों शुरू कर रही हो। जॉन्सी एक्सप्लेन, जॉन्सी बताती है दैट सी इज वॉचिंग द लीव्स फॉल ऑफ द ट्री एंड दैट सी कैन सी आउटसाइड द विंडो। कह रही कि मैं उस काउंटिंग जो कर रही हूं, जो बाहर लता दिख रही है दीवार के खिड़की के बाहर, जो दीवार पे लता दिख रही है, मैं उसके पत्तों को, उसके पत्तियों को काउंट कर रही हूं। एंड जॉन्सी बिलीव दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल सी विल डाइड। और कहते हैं कि जैसे ही वो आखिरी पत्ती उस पेड़ से गिरेगी वही मेरा अंतिम दिन होगा, उस दिन मैं मर जाऊंगी। सू से दैट इज रिडिकुलस, कहती क्या बेवकूफी कर रही हो। एंड दैट सी आस्क जॉन्सी टू ईट एंड स्लीप, और उसे खाने और सोने के बारे में बात करती है सू। जॉन्सी आस्क सू द पेंट समवेयर एल्स बट सू सेज द लाइट इज बेटर देन रूम एंड सी वॉन्ट टू नियर जॉन्सी। वो खिड़की को बंद करना चाहती है लेकिन वो कहती है रहने दो, खिड़की से रोशनी आ रही है, लाइट थोड़ी कम रहती है रूम में। जॉन्सी एग्री टू स्लीप बट से सी वॉन्ट्स टू अवेक वॉज द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी सो तो जाती है लेकिन वह लास्ट लीफ के गिरने का के बारे में सोचती रहती है। सू टेल्स जॉन्सी दैट सी इज गोइंग टू गेट बैरमन एंड देयर डाउन स्ट्रेट नेबर बिकॉज सी वॉन्ट्स टू यूज हिम अ मॉडल फॉर पेंटिंग। बैरमन इज एन अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट हु टॉक अबाउट द पेंटिंग मास्टर पीस समडे। सू जॉन्सी की स्थिति को बैरमन, जो उनके नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, नीचे वाले अपार्टमेंट पे रहता है, जो खुद ही प्रोफेशनल एक पेंटर है, और वो लेकिन वो अपनी लाइफ में उतना सफल नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में एक दिन एक अपने पेंटिंग का मास्टरपीस जरूर बनाऊंगा। बट ही नाउ ड्रिंक्स मच एंड मेक मनी बाय सिटिंग एज अ मॉडल फॉर अदर पेंटर्स। वह शराब अधिक पीता है और जिसमें उसके पैसे बर्बाद होते रहते हैं और दूसरे के पेंटिंग के मॉडल्स को खरीदता रहता है। ही ड्रिंक्स एंड फर्स्ट डे एंड विल नॉट कम बट वेन सू से ही इज नॉट बींग नाइस से ऑलवेज इंटेंड टू चेक ऑन जॉन्सी। जब सू बैरमन से कहती है कि वो जॉन्सी को देख ले, जॉन्सी से मिल ले, उसे लगता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में डॉक्टर कह रहा था, जो मिलने से उसके अंदर की जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। वह अगले पहले दिन वह शराब पी के पड़ा रहता है, मिलने नहीं जाता है। अगले दिन भी जब जॉन्सी कहती है कि सू कहती है कि एक बार जॉन्सी को चेक कर लो, वह नहीं जाता है। जॉन्सी स्लीप एंड सू वर्क्स ऑन पेंटिंग बैरमन। जॉन्सी सोई हुई रहती है और सू और बैरमन पेंटिंग कर रहे होते हैं। अ विंटर स्टॉर्म हिट, उसके बाद अचानक से ठंड बढ़ जाती है, तूफान आता है एंड बिगेंस टू ब्लो एंड रेन आउटसाइड। बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बारिश होने लगती है। एंड बट सू कीप्स द कर्टेन ड्रॉन एंड द मॉर्निंग, खिड़की और पर्दे लगा सू लगा देती है। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जॉन्सी वेक अप, जब जॉन्सी उठती है, टिल सू द ओपन द कर्टेन और
यीशु से कहती है कि पर्दे हटाओ, वन लीफ इज स्टिल ऑन द ट्री, और वो देखती है कि वो इतने तूफान के बाद भी वो आखिरी पत्ती उसी पर लगी हुई है, वो गिरी नहीं है। जॉन्सी इज श्योर दैट लीव विल फॉल दैट डे, कि जॉन्सी को ये पूरा भरोसा था कि पिछले तूफान में ये जो पत्ती है वो गिर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट इट इज क्लिंगिंग द ब्रांच, इट इज स्टिल देयर आ नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वही पत्ती अगले दिन भी दिखाई देती है, उसके अगले दिन भी दिखाई देती है, उसके अगले दिन भी वो दिखाई देती रहती है। एंड द डॉक्टर कैम, और डॉक्टर आता है जॉन्सी को देखने के बाद, वो कहता है सूसे कि जॉन्सी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं एंड हर चांस ऑफ सर्वाइविंग, और ऐसा लगता है कि वो सर्वाइव कर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एंड ही इज ऑल्सो टेल्स, और सू को वो बताता है कि दैट बेरवन वॉट कॉट निमोनिया एंड स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द हॉस्पिटल, और वो बताता है कि जो बेरमन है वह पिछली बार निमोनिया से ग्रसित हो गया और इस समय वो हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहा है। एंड ही पास्ड अवे आफ्टर टू डेज, स्ट्रगल करते करते वो दो दिन पहले जो बेरमन है वो क्या हो गया है, गुजर गया है। सू टेल्स जॉन्सी हु इज मच बेटर, तो सू जॉन्सी से कहती है कि ये अच्छा हुआ। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टू जॉन्सी दैट बेरमन हैड गॉटन स्टिक बिकॉज ही वेंट आउट द विंटर स्टॉर्म, और बताती है कि वह विंटर में ऐसे ही घूम रहा था, कुछ लोगों ने उसे देखा अ पेंटेड लीफ ऑन द वॉल, उसे दीवार पर पत्ते को पेंट करते हुए, एंड बिहाइंड द ट्री, जो उस पेड़ के ऊपर। एंड जॉन्सी वुड नेवर सी द लास्ट लीफ फॉल, जिससे जॉन्सी ने उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए नहीं देखवाई। इन शॉर्ट ये है कि बेरमन ने जो पत्ती ऑलरेडी गिर चुकी थी उसको आर्टिफिशियली उसने क्या किया, उसको आर्टिफिशियली वहाँ पे पेंट किया, जिससे जॉन्सी ने देखा वो पत्ती, इसी वजह से वो पत्ती गिर नहीं रही थी क्योंकि वो नेचुरल ना होकर के वो क्या थी, आर्टिफिशियल थी। और यही बेरमन जो बार बार कहता था किसी ना किसी दिन मैं अपनी लाइफ का मास्टरपीस जरूर बनाऊंगा, ये बेरमन का मास्टरपीस था। एंड सो डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द लास्ट लीफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव यू ग्रेट डे, थैंक यू।